इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने स्कूल के सॉफ्टवेयर में ट्रांसपोर्ट फीस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है फीस स्ट्रक्चर में। तो जो भी स्टूडेंट बाय बस स्कूल में आते हैं उनका जो उनकी बस की फीस है उसको कैसे मेंटेन करना है इस सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए हम सबसे पहले मास्टर में आएंगे। मास्टर में आके सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट के रूट्स हैं वो बनाएंगे हम। रूट मींस जहाँ से भी बच्चा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, उस जगह के रिलेटेड जो भी एरिया है उसका, उसके हिसाब से रूट बना लेंगे। यहाँ पे रूट पे क्लिक किया हमने, न्यू पे करेंगे, यहाँ पे रूट नेम दे देंगे, जैसे कि गांधीनगर, रूट नेम दे दिया मैंने गांधीनगर। जो भी फीस है बस की फीस है, अगर मंथली ली जाती है स्कूल के द्वारा तो मंथली सिलेक्ट कर लोगे, वो आप ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इधर सब हम सेव कर देंगे इसको। इस तरह से हमने रूट क्रिएट कर लेने हैं, जो जो भी जगह से आ रहे हैं बच्चे वो रूट उसी हिसाब से बना के हम सेव कर लेंगे। अभी एक नया रूट बनाएंगे हम, यहाँ पे एक मैंने लक्ष्मी नगर बना लिया है। फीस मंथली ली जाती है तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे, अभी सेव कर देंगे इसको। ये मैंने दो जो हैं रूट बना लिए हैं। अभी हमने रूट का प्लान बनाना है, मींस कौन से रूट से कितनी फ़ीस लेनी है। तो यहाँ पे रूट बनाने के बाद हम रूट प्लान पे आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, न्यू कर लेंगे एंटर करके। तो देखिए यहाँ पे जो जो भी आप रूट बनाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। अभी हमने दो रूट बनाए थे, गांधीनगर और लक्ष्मी नगर। अभी गांधीनगर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। जो भी स्टूडेंट गांधीनगर से आ रहे हैं उनसे आपने कितनी फ़ीस लेनी है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। मान लीजिए कि 500 जो है स्टूडेंट से हमने फ़ीस लेनी है जो गांधीनगर से आ रहे हैं, यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे आप क्लास को भी, पर्टिकुलर क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे, कौन सी कैटेगरी को 500 लगाना है कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। इसको अभी सेव कर देंगे, ओके किया। इसी तरह से हम दूसरा जो है लक्ष्मी नगर जो है इसको भी हम वैल्यू दे देंगे। लक्ष्मी नगर से आने वाले बच्चों से मान लीजिए हमने 300 लेना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से आपने पहले रूट बना लेना है। अभी हमने मास्टर में आके एडमिशन को एडिट करना है, स्टूडेंट के एडमिशन पे जाएंगे। मान लीजिए ये जो राजवीर नाम का है स्टूडेंट, ये गांधीनगर से आ रहा है, यहाँ से गांधीनगर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हो आप एडमिशन में जाके, एडिट करके एडमिशन को स्टूडेंट के एरिया आप लेके अपडेट कर सकते हो। ये अपडेट कर दिया मैंने। अभी हम एंट्री में आएंगे, इसकी एंट्री करेंगे फीस की। फीस रसीट पे आके ओके करें, न्यू करेंगे। फीस रसीट पे आके हमने न्यू करना है, न्यू करके अभी डेट आ जाएगी, रसीट नंबर आ जाएगा, एडमिशन नंबर डालेंगे स्टूडेंट का। अभी यहाँ से जिस मंथ की आपने फ़ीस लेनी है उसको टिक लगा के ओके कर देंगे। ये इस तरह से देखिए फ़ीस आ जाएगी, डिटेल उसकी सारी, जैसे हमने पहले एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस जो था बनाए थे, इसकी सेटिंग की थी। अभी हमने रूट बना के उसको प्लान दे दिया, सेटिंग कर दी है कि कौन से रूट से कितनी फ़ीस लेनी है। उसके हिसाब से राजवीर जो स्टूडेंट है उसको हमने गांधीनगर सेलेक्ट कर दिया था एडमिशन में जाके, तो अभी उसके हिसाब से इसने 500 यहाँ पर उठा लिया ट्रांसपोर्ट फ़ीस को, ठीक है। तो यहाँ इसको हम अभी सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट की फ़ीस ले सकते हो, फीस की एंट्री कर सकते हो। अभी यहाँ से हम प्रीव्यू देख लेंगे इसका।
देखिए इस तरह से आपको आपके पास फीस रिसीट आ जाएगी। ठीक है, अभी इसे क्लोज कर देंगे। इसे क्लोज किया, अभी मैं आपको सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं बनती हैं डिस्प्ले में जो अभी हमने जो भी एंट्री की है उसकी भी रिपोर्ट मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे फेस रिसीट रजिस्टर पे आएंगे, डेट वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके करेंगे। ये अभी हमने एंट्री की थी उसकी सारी डिटेल दिखा रहा है। ये राजवीर नाम का स्टूडेंट है, 10th क्लास का, टोटल फीस उसकी 16,000 थी। ठीक है, ये सारा आपको बताएगा। वापस हम डिस्प्ले में आएंगे। अगर आप फीस हेड समरी देखना चाहते हो, हेड वाइज मीन्स कौन सी फीस कितनी है अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हेड आ जाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर एडमिशन फीस है, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, जिस जिस की हमने सेटिंग की थी फीस हेड की, वो सारा ऊपर दिखा रहा है कि उनसे इतनी इतनी फीस है। ये टोटल जितनी भी सारी क्लासेस की फ़ीस होगी, जैसे एडमिशन फ़ीस टोटल सारी क्लासेस की यहाँ पे टोटल आ जाएगी, और ट्यूशन फ़ीस टोटल यहाँ पे आ जाएगी, सारा टोटल निकाल के बताएगा सॉफ्टवेयर आपको। ठीक है, अगर इस तरह की रिपोर्ट आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो। डिस्प्ले में आएंगे वापस। मंथली रिपोर्ट अगर आपने चेक करनी है, मंथली समरी देखनी है आपने, ये देख सकते हो फीस की। ये सारी जो रिपोर्टें हैं वो फीस के रिलेटेड हैं। अभी ये फीस ड्यू लिस्ट है, अगर आप देखना चाहते हो कौन से स्टूडेंट की फ़ीस ड्यू है, तो आप इस पे आके आप कोई भी ये फीस की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे फीस ड्यू पे क्लास वाइज अगर आपने चेक करना है क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये चेक कर सकते हो आप। हम यहाँ से जिस क्लास का आपने देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट की फ़ीस ड्यू है, तो उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद जिस मंथ की आपने फ़ीस देखनी है उसको टिक लगा लोगे। मान लीजिए कि अप्रैल का आपने देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो अभी नहीं आई है, तो ओके करेंगे। यहाँ पे इसने बता दिया संदीप और रोनित वर्मा जो है अभी इनकी जो फ़ीस है ड्यू है, वो लिस्ट आ जाएगी ड्यू लिस्ट सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है। यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हो कि कौन से स्टूडेंट से कितनी फीस अभी बाकी है, कौन से स्टूडेंट की, यहाँ से ओके करना है। तो जो जो भी ओके करने के बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनका बैलेंस रहता होगा, अभी फ़ीस रहती होगी, वो आपको लिस्ट में यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, फ़िलहाल कोई नहीं है अभी बैलेंस, तो इस वजह से नहीं दिखा रहा। इसी तरह से आप देख सकते हो डिमांड रजिस्टर, अगर आपने देखना है कि पर्टिकुलर जो मंथ है उसमें कितना कितनी फ़ीस हमें कलेक्ट हो रही है, तो आप यहां से सेलेक्ट करके मंथ को ओके करोगे, तो वो आपको सारा समरी बता देगा कि सभी क्लासेस का टोटल कितना आप कलेक्ट कर रहे हो, एडमिशन फ़ीस कितनी है, टोटल कितनी कलेक्ट होगी, ट्यूशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, जितने भी आपकी फ़ीस होगी स्ट्रक्चर में, वो सारी टोटल करके आपको बता देगा कि अप्रैल मंथ का जो है टोटल फ़ीस इतना है। इसके अलावा आप फीस कार्ड चेक कर सकते हो स्टूडेंट का, यहाँ पे एडमिशन नंबर डालना है, जहाँ F4 से आप सर्च कर लोगे स्टूडेंट को। ये देखिए अभी हमने फ़ीस ली थी जिस स्टूडेंट से, उसकी अगर आपने चेक करनी है फीस कार्ड पूरा देखना है, तो यहाँ इस तरह से आपके सामने वो फ़ीस कार्ड सॉफ्टवेयर बना देगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्लास रिपोर्ट चेक कर सकते हो, अगर आपने देखना है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, या फिर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, क्लास रिपोर्ट चेक कर सकते हो। क्लास वाइज स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कि कितनी हर एक क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं, ये सारी रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर।
अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से फीस सेट से हमने कितनी कलेक्शन की है, एडमिशन फ़ीस कितनी है कलेक्ट की है, या फिर ट्यूशन फ़ीस कितनी है, अगर हेड वाइज आप चेक करना चाहते हो तो हेड वाइज कलेक्शन रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है अपने कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो आप चेक कर सकते हो, कौन सी क्लास का फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है, टेंथ का देखना है तो एंटर कर दोगे कौन सी कैटेगरी के लिए, तो ओके कर देंगे यहाँ से, तो वो सारा आपको बता देगा कि एडमिशन फ़ीस जो है एनुअली लेते हैं तो वन टाइम आ गया, वन टाइम लेनी है, ये मंथली फ़ीस ली जाती है, ट्यूशन फ़ीस जो है 500, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी सारा स्ट्रक्चर। अगर आपने किसी स्टूडेंट को कंसेशन दिया है फ़ीस में तो उसकी रिपोर्ट ये बन जाएगी, फ़ीस कंसेशन रजिस्टर आप चेक कर सकते हो, फ़ीस हेड वाइज कंसेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कंसेशन के रिगार्डिंग, तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये फ़ीस के रिलेटेड हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फॉर्मेट जिस तरह से भी आप फ़ीस चेक करना चाहते हो तो ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। सिंपली आपने सिर्फ एंट्री करनी है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले में आपको मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, कैसे भी करके आप उन्हें सर्च कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपना क्वेश्चन। थैंक यू।